लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने निराले अंदाज के लिए बेहद ही मशहूर हैं। उनके क्रियाकलाप और बयान अक्सर मीडिया में चर्चा का विषय बन जाते हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में हैं और इस बार चर्चा उनके साइकिल से ऑफिस जाने की हो रही है। साइकिल से अपने कार्यालय जाने के पीछे उन्होंने जो वजह बताई उसकी तो और भी ज्यादा चर्चा हो रही है। नेताजी हमारे सपने में आए और नेताजी हमारे सपने में आए, उन्होंने जब मैं सपने में मैं देखा कि मैं कहीं जा रहा था वृंदावन, वृंदावन जाते समय मैंने नेताजी को देखा सपने में। उसके बाद सफाई गांव गया मैं, वहाँ देखे कि नेताजी बैठे हुए थे और किन्हीं लोगों से चर्चा कर रहे थे, कुछ पॉलिटिकल चर्चा कर रहे होंगे वहाँ। उस बीच मैं वहाँ मिला उनसे और वो हमको देखे तो स्तब्ध रह गए कि आप तेज प्रताप जी अचानक से कैसे आ गए। हम लोग वृंदावन जा रहे थे, नेताजी आपसे मिलना था हमको। तो उसके बाद हमने नेताजी को बोला कि आप हमारा आपका गांव हम घूमना चाहते हैं। तो नेताजी बोले ठीक है। तो उसके बाद हम नेताजी को बोले कि आप साइकिल मंगवाइए, तो नेताजी और खुश हो गए। उसके बाद नेताजी के साथ हमने साइकिल पर बैठे और वो भी साइकिल पर बैठे, वो भी चला रहे थे मेरे साथ, वो मेरा राइट साइड थे, हम लेफ्ट साइड थे, वो भी चला रहे थे साइकिल और मैं भी चला रहा था। तो फिर कुछ दूर मैं गया तो वहाँ कोई गांव में टूटा पुल था, तो वहाँ पे कोई औरत थी, कोई महिला थी खड़ी, गांव के ग्रामीण कोई होंगी, तो वो खड़ी थी। तो नेताजी से उन्होंने पूछा कि नेताजी इधर कहाँ, तो हम बोले कि हम जा रहे हैं, ये तेज प्रताप जी हैं, ये बिहार से आए हैं, इनको हम लेके अपना गाँव घुमाने जा रहे हैं। तो नेताजी कहीं गाँव में ही किसी की शादी हो रही थी उसमें सम्मिलित हुए, हमको भी सम्मिलित कराए और उसके बाद मेरे कमरे में आ गए अचानक से नेताजी। तो कमरे में आए, एक मूढ़ा था बगल में, वहाँ बैठे हुए थे नेताजी। तो उसके बाद उनको मैंने बोला कि आप सोफे पे बैठ जाइए, तो नहीं, नेताजी बहुत सिंपल हैं, शुरू से ही थे वो, और उनका जनता से बहुत नज़दीकी का इंटरेक्शन और पब्लिक के बीच में धरातल से जुड़े हुए समाजवादी का जो विचार होता है उसको फैलाया उन्होंने, और मैं भी जमीन पर बैठ गया। फिर पॉलिटिकल चर्चा होने लगी नेताजी से, तो नेताजी ने हमें मार्गदर्शन भी दिया कि आप पॉलिटिकल आगे बढ़िए, हमारा आशीर्वाद है, सदैव आपके साथ रहेगा। तो उसके बाद नेताजी ने घड़ी पहनते थे नेताजी, तो घड़ी उतार के हमको दिया उन्होंने, तो मैं उस घड़ी को लेकर के बहुत भावुक हो गया। उसके बाद भावुक हो गया, उसके बाद मैं रोने लगा सपने में, नेताजी के आँख से भी आंसू आने लगे। फिर नेताजी ने हमें गले लगाया, फिर उसके बाद अचानक से सपना टूट गया। फिर मैं नींद से उठा, फिर उसके बाद तुरंत हमने धनंजय जी को कॉल किया, उसका साइकिल अरेंज कीजिए, हम मंत्रालय जाएंगे, आप पर्यावरण को भी बचाएंगे और नेताजी का संदेश पूरे बिहार में हम फैलाने का काम कर रहे हैं। हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी भी साइकिल चलाए थे और वो साइकिल से पर्यावरण को बचाने के लिए, डीजल पेट्रोल को वो कम करने के लिए उन्होंने साइकिल चलाया था।